ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है, और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जाना जाएगा ये म्यूजियम, और छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को वहां पर सजोने का कार्य पूरी भव्यता के साथ आज हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की, यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। भारत की रक्षा सेनाएं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त होंगी, इस दिशा में कार्य भी वहां हो रहा है। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, और इसी का परिणाम है जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दासता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य अद्भुत क्षण भी, वह अलौकिक क्षण भी हम सबको देखने को प्राप्त होता है। हमारे पूज्य संतजन मंच पर भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, इनके सानिध्य में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से, उनके परम पुरुषार्थ से 22 जनवरी 2024 की जो तिथि हम सबको अयोध्या धाम में देखने को मिली थी, अद्भुत है। और ये नई अयोध्या, ये भव्य दिव्य और नव्य अयोध्या आप सबको भी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है, और उसी आमंत्रण के साथ आज हम सब पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, जिन्होंने अपने लिए नहीं सनातन वैदिक धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करके श्रीमद भगवत गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए वेद पाठी एक लंबी परंपरा को देश को देकर के ये देश वेदों का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। जो कार्य मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके किया था, वह काम आज गोविंद देव गिरी जी के सानिध्य में इस महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर हर सनातन धर्मावलंबी के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए उनके सानिध्य में निरंतर चल रहा है।